जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 4 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है, जिसका इंतजार शिव भक्त पूरे साल किया करते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में बहुत से व्रतों को उठाया जाता है, संकल्प लिया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमवार व्रत रखने के कौन से 5 फायदे होते हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार का महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा भी इस वीडियो में हम जानेंगे। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद पसंद है। हिंदू धर्म में श्रावण माह को विशेष दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इस माह में देवों के देव महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। शिव के प्रसन्न होने पर भक्तों के सारे कष्ट खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। भगवान शिव ब्रह्मांड की सभी बुराइयों का नाश करते हैं। मान्यता है कि मलमास में जब पालनकर्ता भगवान विष्णु योग निंद्रा में चले जाते हैं, तो संसार की सारी जिम्मेदारी भगवान शिव पर आ जाती है। सोमवार व्रत के क्या फायदे हैं? नंबर 1, सोमवार व्रत रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, इससे कई सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। नंबर 2, सोमवार व्रत से अविवाहित लड़कियों को फलदायी लाभ मिलता है। मान्यता है कि 16 सोमवार व्रत रखने से कुंवारी लड़कियों को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। नंबर 3, सोमवार व्रत रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे नौकरी की समस्या का निदान होता है और व्यवसाय में भी लाभ होता है। नंबर 4, पुराणों के अनुसार सोमवार के व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 5, सावन के सोमवार में व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं। नंबर 6, सोमवार व्रत रखने से व्यक्ति की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, जो अपने भक्तों के छोटे से छोटे दुखों को दूर करते रहते हैं, इसलिए सोमवार व्रत को सभी पूरी श्रद्धा के साथ रखते हैं। कब से शुरू होंगे सावन के सोमवार व्रत और इनका क्या महत्व है, जान लेते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। पूजा से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष के भी द्वार खुलते हैं। हिंदू पंचांग में सभी महीनों का भी अलग अलग महत्व है। जब बात सावन के महीने की आती है, तब इसे भगवान शिव की पूजा का समय माना जाता है और इस पूरे महीने जो भी शिव पूजन करता है, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति भगवान भोलेनाथ करते हैं। लोग इस पूरे महीने में शिव पूजन करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण के महीने को साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और सावन के सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। सावन के सोमवार का मतलब है इस महीने में पड़ने वाले सभी सोमवार के दिन। इन सभी सोमवारों का विशेष महत्व है और इनमें शिव पूजन किया जाता है। इस साल सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है और 2 सावन होने की वजह से सावन के महीने का समापन 31 अगस्त को होगा। सावन सोमवार हिंदू व्रत है, जो सावन के महीने में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को रखे जाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ महीना है और लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सावन में व्रत करते हैं। इस दौरान शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है और नियम से सोमवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया जाता है। सावन के महीने में सोमवार की तिथियों के बारे में जानते हैं। सावन सोमवार व्रत की तिथियां। तो सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को होगा। सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को होगा। सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई को होगा। मलमास लग जाने के कारण सावन का पांचवा सोमवार 7 अगस्त को होगा।
सावन का छठा सोमवार 14 अगस्त को होगा। सावन का सातवां सोमवार 21 अगस्त को होगा और सावन का आठवां सोमवार 28 अगस्त को होगा। इस प्रकार संपूर्ण सावन में 8 सोमवार के व्रत 2023 में पड़ेंगे। जान लेते हैं सावन सोमवार व्रत का महत्व। सावन के महीने में सोमवार व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा है। यह व्रत ऐसा है कि यह आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली ला सकता है। मान्यता है कि यदि आप इस व्रत का नियम से पालन करते हैं तो समस्त इच्छाओं की पूर्ति होने के साथ आपको विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति भी होती है। यदि आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं या नौकरी में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो सावन के सोमवार व्रत आपके लिए अत्यंत फलदायी हो सकते हैं। संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति को जोड़े में यह व्रत रखने की सलाह दी जाती है। कैसे करें सावन सोमवार का व्रत, जान लेते हैं। सावन के सोमवार के दिन आप प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण कर लें। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और उन्हें बेलपत्र तथा फूलों से सुसज्जित करें। शिवलिंग को कच्चे दूध से स्नान कराना शुभ फलदायी होता है। इस दिन नियम पूर्वक पूरे दिन व्रत का पालन करें और फलाहार का सेवन करें। रात में शिवजी को उनके मनपसंद भोजन खीर या हलवे का भोग लगाएं और स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। यदि आप अपने जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और खुशियां लाने के उपाय ढूंढ रहे हैं तो सावन के सोमवार व्रत आपके लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होंगे। सावन सोमवार व्रत की कथा। इस कथा के बिना अधूरी मानी जाती है सावन व्रत की पूजा। तो जब भी आप व्रत करेंगे तो इस कथा को जरूर पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी नहीं हो रही है या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही है या व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां चल रही हैं, इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो परेशान होने के बजाय आपके सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग ही नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी दिया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहने का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा।
तो साहूकार ने कहा वह भी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे दोनों इसी तरह ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उस राजकुमारी का विवाह होना था वह लड़का एक आंख से काना था, तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया क्यों ना इसी को थोड़ी देर घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। लड़के के मामा राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा प्रभु यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा शाहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी इसे जीवित कर दो, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है। लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वे छत से कूद कर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा, तब वो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जय श्री हरि जरूर लिखें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।